नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश की देवता है, प्रकाश में जीवन है। सूर्य जीवन के अंधकार को दूर करता है, हमारे जीवन में प्रकाश भी खेरता है। तो रविवार को करना है ये चार काम, धनवान आपको बना देगा। धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकते। आपके जीवन में जो अंधकार चल रही है, अंधकार का मतलब होता है बाधा है, परेशानी है, तकलीफ है, इसे जो सूर्य नारायण चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखिएगा। जो जानकारी बताऊंगा शायद हो सकता है ये आपके जीवन में उपयोगी साबित हो। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको नुकसान होने वाले, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। तो सबसे पहले जानते हैं कि रविवार के दिन क्या न करें। तो काले वस्तु खरीद करके रविवार के दिन कभी भी नहीं लाना चाहिए। काले वस्तु जो है ये शनिदेव का कारक है और भगवान सूर्य पीले वस्तु से प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो काले वस्तु कभी भी घर में खरीद करके रविवार के दिन नहीं लाना चाहिए। दूसरा, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि रविवार के दिन माँ तुलसी उपवास रहती हैं। तीसरा, नीले वस्तु जैसे कि नीले कोई भी वस्तु हैं ये राहु को समर्पित हैं, ठीक है, राहु को, शुक्र को, शनि, राहु, शुक्र और सूर्य ये सब एक दूसरे का शत्रु हैं। तो नीले वस्तु पदार्थ है, जो भी चीज़ है नीले कलर का, ये खरीद करके रविवार के दिन नहीं लाना है। घर में नमक खरीद करके भी रविवार के दिन नहीं लाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। आइए जानते हैं रविवार के दिन क्या करना चाहिए। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। पहला, पीली सरसों या पीली राई को 7 मुट्ठी की मात्रा में लेकर के शाम या सुबह के समय ओम सूर्याय नमः धनम देही मंत्र का जाप करते हुए जल में प्रवाहित करना है। 7 मुट्ठी लेना है, एक बार आपको बोलने ओम सूर्याय नमः धनम देही, आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना है। निश्चित रूप से इस उपाय से भगवान सूर्य की कृपा से अगर आपके जीवन में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, जीवन में पैसों संबंधी परेशानी चल रही है, ये समाप्त होते हैं। दूसरा, इस दिन गाय को गुड़ और चने खिलाने से भी अचानक धन की प्राप्ति होती है, घर में धन की बरकत होती है, इससे भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, जीवन से अंधकार को मिटाते हैं। तीसरा प्रयोग, पीले चंदन लगा करके काम के लिए निकलना चाहिए। निश्चित रूप से जिस भी काम के लिए आप निकलेंगे रविवार के दिन पीले चंदन लगा करके उस कार्य में सफलता मिलेगी। चौथा प्रयोग, बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हो, विद्यार्थी हो या दुकानदार हो तो रविवार के दिन एक पीला पुष्प जेब में अवश्य रखें। निश्चित रूप से बिजनेस में तरक्की मिलेंगे, विद्यार्थी हैं तो पेपर अच्छे से जाएंगे, दुकानदार हैं तो दुकान में बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। अंतिम उपाय, तांबे के लोटा में साफ जल लेना है और इसके अंदर चावल फूल डाल करके सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपको बोलना है कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करे। बिल्कुल ही इसे अगर 5 रविवार तक किया जाए तो आपकी जो भी इच्छा है 5 रविवार के भीतर में पूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कर सकते, ये अजमाया हुआ प्रयोग है। तो ये थे छोटे से जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।